बोल्सकाई में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम आपको वो 5 बेहतरीन सेक्स पोजीशन बताएंगे जिनकी मदद से गर्भ धारण करना आसान हो जाएगा। प्रेम संबंध स्थापित करने में आनंद की प्राप्ति होती है, मगर जब सवाल गर्भ धारण का हो तब दंपति के जीवन में यही आनंद तनाव का कारण बन जाता है। कोई कोई दंपति आसानी से गर्भ धारण कर लेते हैं तो किसी को सालों तक बच्चे का इंतजार करना पड़ता है। तनाव भरे इस अवस्था से बाहर निकलने के लिए कुछ टिप्स पर ध्यान देने पर आप सेक्स का आनंद भी उठा पाएंगे और गर्भधारण का सुख भी भोग पाएंगे। गर्भधारण करने के कुछ टिप्स। इसके बारे में कई तरह के मिथक हैं जो आपको अपने दोस्तों और बड़ों से सुनने को मिलेगा। यहाँ गर्भधारण करने के कुछ बेसिक पद्धतियों के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं, जिसका अनुकरण करने से आपको गर्भधारण का सुख भोगने में आसानी होगी। अच्छी तरह से शुक्राणु का निवेश। जी हाँ, प्रेम संबंध स्थापित करने के वक्त पर इस बात का ध्यान दें कि लिंग गर्भाशय के अंदर गर्भाशय के पास अच्छी तरह से जा सके, जिससे शुक्राणु इधर उधर ना जाए, तनाव मुक्त रहें। ये गर्भधारण करने का सबसे महत्वपूर्ण तथ्य होता है। प्रेम संबंध स्थापित करने के लिए ऐसा कुछ भी काम न करें जिससे कि महिला का शरीर तनाव में आ जाए। इससे योनि मार्ग सख्त हो जाता है और सेक्स करने का पूरा आनंद दोनों नहीं उठा पाते। जब महिला सेक्स करने के बाद तनाव में होती है तब उसके शरीर में से एक प्रकार का एंजाइम और हार्मोन का उत्पादन होता है जो गर्भधारण करने की संभावना को 12% तक घटा देता है। इस स्थिति से बाहर निकलने के लिए गहरी सांस लेने वाले योग का अभ्यास करना चाहिए या अपने प्यार भरे स्पर्श के द्वारा महिला के शरीर और मन को सेक्स के लिए तैयार करने की कोशिश करनी चाहिए। आनंद उठाएं और कंपोनात यानी ऑर्गेज्म तक पहुंचें। अपने हमसफर को कमोनपाद यानी कि ऑर्गेज्म की अवस्था तक पहुंचाने के लिए, ताकि वो पूरा आनंद उठा सके, आप कुछ कुछ कर सकते हैं। अपने हमसफर को खुश करने से गर्भाशय का मुंह खुल जाता है। दूसरा तरीका भी है, जैसे योनि मार्ग को लुब्रिकेंट करने से गर्भाशय और योनि मार्ग संकुचित हो जाता है। इस प्रक्रिया के कारण शुक्राणु गर्भाशय के पास जा पाते हैं। अब हम आपको 5 सेक्स पोजीशन बताएंगे जो गर्भधारण करने में सहायक होती है। नंबर 1, मिशनरी। ये सबसे आम पोजीशन होती है, लेकिन फायदे अनेक होते हैं। इस पोजीशन में महिला लेटी रहती है और पुरुष उसके ऊपर होता है। इस अवस्था में शुक्राणु को गर्भाशय तक पहुंचने में आसानी होती है। पुरुष और स्त्री दोनों को संभोग का पूरा आनंद मिल पाता है। स्त्री इस अवस्था में पुरुष के संपर्क में ज्यादा नजदीक आ पाती है। ग्लोइंग ट्रायंगल, ये पोज मिशनरी पोज की ही एक शाखा होती है। इस पोजिशन में भी स्त्री लेटी होती है और पुरुष उसके ऊपर होता है, मगर फर्क सिर्फ इतना होता है कि पुरुष अपने पैरों को फैला देता है, स्त्री के कूल्हा और पास आ जाते हैं। सेक्स संबंध आसान करने के लिए कूल्हे के नीचे तकिया आदि रखा जाता है। इस अवस्था में स्त्री पुरुष को और भी पास ला सकती है, जिससे लिंग अच्छी तरीके से गर्भाशय के पास जा सकता है। इस अवस्था में पुरुष ज्यादा हिल नहीं पाता, जिससे गर्भधारण करने का काम आसान हो जाता है। द रॉक एंड रोलर या एनवी, ये भी मिशनरी की तरह ही होता है। इस अवस्था में भी लिंग गर्भाशय तक अच्छी तरह पहुंच पाता है। इस अवस्था में पुरुष स्त्री के ऊपर होता है और स्त्री अपने पैरों को पुरुष के सिर के ऊपर उठा लेती है, जिससे पुरुष अच्छी तरह से लिंग को योनि मार्ग में प्रवेश करा सकता है। डॉग स्टाइल, इस पोजीशन में ज्यादा पुरुष बहुत आनंद लेते हैं। ये अवस्था गर्भधारण के लिए भी लाभदायक होती है। ये स्टाइल लिंग के प्रवेश का अनुपात दूसरे स्टाइल से ज्यादा बढ़ा देता है। मैजिक माउंटेन, ये पोजीशन भी डॉग स्टाइल में ही होती है। इस अवस्था में स्त्री झुककर खड़ी होती है, पुरुष पीठ के पीछे खड़ा होकर संभोग का सुख भोगता है। स्त्री शरीर के ऊपरी अंग को सही अवस्था में रखने के लिए तकिए का सहारा ले सकती है। इस अवस्था में गर्भधारण की संभावना बहुत हद तक बढ़ जाती है। सेक्स संबंध स्थापित करने के बाद आलिंगनबद्ध होना भी इस क्रिया का जरूरी अंग होता है।
महिलाएं ऐसा करने से अपने को साथी के ज्यादा करीब महसूस करती हैं। इस प्रक्रिया में शरीर में डोपामिन नाम का हार्मोन निष्कासित होने लगता है, जिससे स्त्री के शरीर से ऑक्सीटोसिन नाम का हार्मोन निकलता है, जो प्रजनन प्रक्रिया के लिए लाभदायक सिद्ध होता है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपके जीवन में सेक्स लाइफ के साथ साथ आपके जीवन में संतान सुख को भी लाता है। बोल्ड स्काई के इस वीडियो में अभी इतना ही।